मैं पिंपरी चिंचवड़ के बारे में आपसे एक अच्छी न्यूज शेयर करना चाहता हूं। 7 दिनों से पिंपरी चिंचवड़ में कोई भी नया केस कोविड-19 का नहीं आया है। करीब 12 केसेस थे जिसमें से 3 डिस्चार्ज हो चुके हैं और आज भी कुछ लोगों के डिस्चार्ज होने की शक्यता है। मित्रों, ये सब मुमकिन हुआ आपके एफर्ट्स की वजह से। आपने बहुत सीरियसली लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट किया है और आगे भी मेरी आपसे अपील है कि किसी तरह का लॉकडाउन का जमावबंदी संचार बंदी का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स से मेरी विशेषतः अपील है कि अपने बच्चों को बाहर खेलने ना भेजें, क्योंकि बॉल जो है एक वायरस का माध्यम हो सकता है कैरी करने का। बाहर शाम को लोग घर से ना निकलें, नुक्कड़ पे लोग गपशप ना करें, वीडियो ना देखें। अगर ग्रोसरी और औषधि लेने जाएं तो ग्रुप में ना जाएं, अकेले जाएं। यहाँ पिंपरी चिंचवड़ एक औद्योगिक नगरी है, यहाँ बहुत माइग्रेंट लेबर बहुत है। अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो मेरी सभी मजदूरों से भी अपील है कि अपने नेटिव प्लेस, अपने मूल गांव ही ना जाएं और यहीं पे रहें। आपका प्रशासन आपकी सब रहने की और खाने की व्यवस्था करेगा। मित्रों, ये जो आज हमें सक्सेस मिली है ये आपके कोऑपरेशन की वजह से मिली है, तो प्लीज इसको आप सीरियसली इम्प्लीमेंट करिए। जो लोग खाना बांटना चाहते हैं चैरिटी के लिए या ब्लड डोनेशन कैंप करना चाहते हैं, हम उनको पूरी मदद करेंगे, लेकिन अगर किसी ने उल्लंघन किया तो हम उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। एक बार आपसे फिर सबसे अपील है कि सभी लोग थोड़ा थोड़ा सेक्रीफाइस करें जिससे हम इस कोविड-19 पे जीत हासिल कर सकें। थैंक यू।